एक बार एक घर में मेहमान आया। सुनना है? सुना दे कि नहीं, प्यार से बोलो। एक बार एक घर में मेहमान आया। मेहमान कौन था? एक दंपति थे, नया नया शादी हुई थी, विवाह हुआ था, और वो शहर में शिफ्ट हो गए फ्लैट लेकर के। और उस व्यक्ति का दोस्त मित्र मेहमान बन के उसके शहर में चला गया। पत्नी ने पूछा कि ये कौन है, इनको तो हम नहीं जानते। पति बोला कि मेरा बहुत खास दोस्त है, कुछ दिन के लिए, दो चार दिन के लिए घर में रहने को आया, इसको अच्छा अच्छा बना के खिलाना ताकि इसको अच्छा लगे। अब पत्नी ने सोचा कि पति का दोस्त है तो इतना खास मित्र है तो मैं खिला देती हूँ अच्छे से। अब खूब सुंदर भोजन तैयार किया, सुंदर नाश्ता तैयार किया। पत्नी ने पति के दोस्त को खूब खिलाया। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, चार दिन हो गया, लेकिन मेहमान जाने का नाम नहीं ले रहा। अब तो कब तक सहन करे, दो चार दिन तो हो गया, चार पांच दिन हो गए मेहमान नहीं जा रहे। तो पत्नी बोली कि तुम्हारा जो दोस्त है कब तक नहीं जाएगा? पति बोला कि अब पता नहीं कब तक नहीं जाएगा, पूछना भी बेकार लगेगा। कोई आपके घर में मेहमान बन के आए और आप जाकर के सामने से ये नहीं पूछ सकते कि कब जाओगे, अगर ऐसा पूछा तो बुरा लग सकता है। अब यहाँ पर भरत जी की जो ये जो पति थे, उन्होंने दोस्त को पूछा, थोड़ा सा कोशिश किया, तुम किस काम को लेकर के आए थे क्या? दोस्त ने कहा कुछ काम है लेकिन अभी समय लगेगा उसके लिए। अब पत्नी ने विचार किया, भोजन अच्छा मिल ही रहा था, ऊपर से मेहमान बोले कि भाभी जी कल नाश्ते में समोसे बना देना। अब तो और बुरा लगा, इतने बजे चाय चाहिए, इतने बजे नाश्ता चाहिए, सब टाइम फिक्स कर दिया। पत्नी बिचारी थक जाती है। अब पति को एक दिन डांट देती है, आपका दोस्त कब तक नहीं जाएगा, जाकर के पूछो उसे। अब पति बोला कि देवी मैं भगा तो नहीं सकता, लेकिन हम दोनों मिलकर के कुछ ऐसा करेंगे जिसे देख करके वो स्वयं भाग जाएगा। अब पत्नी ने कहा कि क्या करेंगे। पति पत्नी को कमरे के अंदर लेकर आई। पत्नी बोली हम जो बोले वो आपको करना है, उपाय हमारे पास भी है। पति बोला बताओ कौन सा उपाय। एक डंडा लेकर के आए, दरवाज़ा लॉक कर दिया, पति के हाथ में डंडी रख दिया। पत्नी बोली आप जोर जोर से गद्दे पर मारना और मैं जोर जोर से रोने लग जाऊँ। पति ने डंडा उठाया, जोर जोर से बिस्तर पर मारने लगा। पत्नी चिल्लाती, जोर जोर से चिल्लाती, रोती है, मार रहा है, पीट रहा है, जोर जोर से रोने लगी। अब थोड़ी देर बाद खूब रोती है पत्नी, पति खूब गद्दे पर मार रहा है। धीरे से दरवाज़ा खोला, मेहमान वहाँ पर था ही नहीं, मेहमान चला गए। अब बाद में इनको लगा कि दोनों को लगा हमारा प्लान काम कर गया, बहुत अच्छा प्लानिंग था, बहुत अच्छा, वो चला गया, अब वापस नहीं आएगा। दोनों बड़े अच्छे से बात कर रहे थे। पति बोला कि मैंने तुम्हें जोर से मारा लेकिन तुम्हें लगा ही नहीं। पत्नी बोली तुमने मुझे जोर से मारा पर मुझे दर्द हुआ ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद एक आता है और कहता मैं भी गया ही नहीं, जैसे तुमने एक्टिंग किया मैंने भी थोड़ा सा जाने का नाटक कर दिया था, जैसे तुमने झूठा मारा और भाभी जी ने झूठा झूठा रो लिया मैं भी झूठा ही गया था, वापस आ जाता। कई बार मेहमान ऐसे भी होते हैं